वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभ नवरात्रि। माता रानी हम सब की मनोकामनाएं पूरी करें। एंड जैसा कि आपने मेरे टाइटल को देख के समझ ही लिया होगा, एंड आज का वीडियो जो है मेरा है एक ये छोटा सा किचन हॉल, यानी कि मैंने कुछ आइटम्स अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से परचेज किए थे, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू दिवाली लाइक फेस्टिवल, तो किचन को हम कैसे अनदेखा छोड़ सकते हैं। तो किचन के लिए मैंने सबसे पहले जो शॉपिंग की शुरुआत की है वो किचन आइटम्स से की है, तो वो मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू आज शेयर करूँगी उनका थोड़ा सा रिव्यू पार्ट एंड अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले मैं इस बड़े से बॉक्स से शुरू करती हूँ। So this is my first product, a chef knife from brand Perote. It comes along with a cover and a stainless steel के blades हैं इसके, और बहुत अच्छा सा एकदम एंटी स्लिप ग्रिप वाला हैंडल है। क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है, बहुत प्रीमियम सा दिखने में, बहुत अच्छा सा फील होता है इसको पकड़ने में भी। तो मेरी तरफ से ये बिग थम्स अप है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो कैरोटे तो कभी डिसअपॉइंट करता ही नहीं है। सेकंड प्रोडक्ट की तरफ अगर बढ़ूँ तो अगेन ये सिलिकॉन के स्पैचुलास थे, बहुत सुंदर हैं, दो सेपरेटर्स हैं, क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है, बिग थम्स अप। देन थर्ड प्रोडक्ट था मेरा अगेन फ्रॉम द सेम ब्रांड, एक ये नॉनस्टिक पैन था विच इज़ इन ग्रेनाइट कोटिंग, तो ये भी बहुत अच्छा है। इसका मैंने पहले भी एक पैन यूज़ किया हुआ है, एंटी बल्ब तवा इसको उन्होंने मेंशन किया हुआ था। एंड अगर मैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ूँ गाइस, तो मैंने ये कुछ स्पूंस लिए थे जो कि ज़्यादा मतलब इसका कुछ प्रैक्टिकल यूज़ मुझे लगा नहीं, बट देखने में सुंदर लगे तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू परचेज देम। देखते हैं डाइनिंग टेबल में कहाँ इनको मैं स्टाइल कर पाती हूँ। बाकी देखने में तो काफ़ी सुंदर से एकदम क्यूट से गोल्डन कलर के स्पून है, बस एक ही डाउट मुझे लग रहा है कि इनका एक गोल्डन कलर कितने दिन तक कितना शाइनी रहने वाला है कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो विद टाइम विद यूज़ ही पता चलेगा। बट येस, गेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए तो मैं डाइनिंग टेबल पर इन्हें डेफिनेटली अपने स्टाइल कर ही सकती हूँ। तो बहुत ही क्यूट से थे, अच्छे हैं एकदम, तो कुछ डिफरेंट अगर अपने आप कटलरी में ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गिव देम अ ट्राई। एंड येस, अब आता है सबसे मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट, मैंने ये काफ़ी टाइम से अपनी विश लिस्ट में ऐड किया हुआ था एंड इस बार सोचा चलो इसको फाइनली परचेज कर ही लेते हैं गाइस। तो ये है एक कास्ट आयरन का मतलब डच ओवन आप इसको कह सकते हो या फिर कुकिंग पॉट कह सकते हो, 4 लीटर की कैपेसिटी है गाइस। तो अभी इसका लुक रिवील होने देते हैं। एंड येस, हेयर इज दिस ब्यूटी, कितना सुंदर सा इसका ब्लू कलर है, मतलब बहुत ही खूबसूरत ये कलर मुझे लगा, एकदम ग्लॉसी सा कलर है। एंड ये अमेजोन बेसिक्स ब्रांड से मैंने परचेज़ किया था, अंदर पूरा इसमें इनामल कोटिंग के साथ ही ये रिसीव हुआ है मुझे, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बस एक ही थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा कि बहुत पकड़ने में हैवी है। एंड कास्ट आयरन आइटम्स जो यूटेंसिल्स होते हैं तो डेफिनेटली हैवी होते ही हैं, बट आप देख लो कितना लग्जूरियस एंड कितना प्रीमियम ये फील हो रहा है पकड़ने में, मतलब ऐसा लग रहा है इसको मैं कुकिंग ना करूँ बस ऐसे कहीं डेकोरेट करके अपने किचन में रख दूँ। तो मेरी तरफ से तो इट्स अ मस्ट बाय, इफ यू आर थिंकिंग टू एड समथिंग लाइक इन कास्ट आयरन इन योर किचन, तो प्लीज़ डेफिनेटली आप इसको चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। एंड द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल इज़ ये छोटा सा एक प्रोडक्ट मैंने मंगाया था, लेकिन अगर मैं बोलूँ इस पूरे हॉल में तो सबसे ज़्यादा मुझे जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी लगी वो इसी प्रोडक्ट की लगी। ये गाइस ये था एक मतलब आप इसको बोल सकते हैं स्टैक करने के लिए किचन में यूज़ कर सकते हो, या फिर अपनी अगर आपकी कोई टॉल कैबिनेट है उसको आप डिवाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मैंने पर्टिकुलरली मेरे पास ये एक मतलब कटलरी स्टोरेज रैक इसको आप कह सकते हो, शेल्फ टाइप का है, लेकिन इसमें क्या है ना बहुत टॉल है और बीच में इसमें डिवाइडर्स नहीं बने हुए हैं, तो मैंने अपनी कटलरी को इस तरीके से आप देख रहे हो उसका ये बिफोर लुक है जो पूरी फैली हुई है। अब मैंने सोचा कि फाइनली देखते हैं इसको यूज़ करके जो ये ट्रिपल 3 लेयर का मुझे मिला हुआ है स्टैंड, इसको लेयर यूज़ करके मैं कितना ज़्यादा स्पेस अपना सेव कर पाती हूँ, तो फाइनल रिवील के लिए आप वेट कीजिए।
एंड येस दिस इज आफ्टर लुक। आफ्टर लुक आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा स्पेस मेरे पास बच गई है इस सेम शेल्फ में, जो पूरा पहले पूरा आइटम मेरे क्लटर्ड थे, अब बहुत नीटली एकदम प्लेस हो गए हैं।